हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं जो ये मैं कहता हूँ जो 10 क्लास 10th का जो है ये क्वेश्चन 2 नंबर में फिक्स आएगा। मैं आज मैं यही बताऊंगा, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों आप क्वेश्चन देख सकते हैं 45 और 60 का HCF निकाला है और दूसरा नंबर है 867 और 255 HCF यूक्लिड विभाजन से निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 2166 दिया है और HCF इसका HCF बराबर 19 है और फाइंड LCM और निकालना है, ठीक है। और चौथा नंबर है 144 के अभाज्य गुणनखंड में घ 2 की घात पावर ऑफ। दोस्तों आप क्वेश्चन देख लिए हैं तो अब हम बना करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन और 60 का HCF निकालना, तो 45 और 60 का पहले हम भागा कर लेंगे और ये करके आप देखिए HCF इसका है 15 और ये आपको इसको फैक्टर करके भी आपको आंसर निकल जाएगा। 45 को फैक्टर करेंगे आएगा 3 × 3 × 5 और 60 का फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा 2 × 2 × 3 × 5 और बराबर 3 × 5 को और गुना कर दिया और होगा 15। तो दूसरा क्वेश्चन है 867 एज 255 HCF यूक्लिड, ठीक है। 867 को हम भागा करके ये देखिए ये कर लिए हैं इसको, तो ये सब कर लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को 2160 था 166 है तो HCF इसका 19 था, लॉस हो तो इसका नंबर 1 फॉर्मूला पर बनाइए, ठीक है। तो इसका आंसर आया, तो इसका आंसर आया 114, देख लीजिए 114। था क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात, तो 144 को हम क्या कर लेंगे तो इसका फैक्टर कर लेंगे तो इसका देख लीजिए इसका फैक्टर करके 4 घात आया, ठीक है। मैं 0.16 को पी बटा क्यू के रूप में लिखे तो 0.16 को देखिए तो एक्स बराबर मान लिए जो 0.16 16 16 16 लिख दिए और दोनों तरफ 100 से गुना करने पर दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा में से पहला घटा दे तो इसका हो गया 99x = 16 और ये इसका हुआ x = 16/99। तो दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ ये आपको क्लास 10th में हुआ, ये दो नंबर क्वेश्चन आपको 2 नंबर्स में से आता ही रहेगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।